अब बात उस आदमखोर आतंकी की जिसने यूपी के पीलीभीत में कोहराम मचा रखा है। पीलीभीत का पिपरिया गांव इन दिनों आदमखोर टाइगर की दहशत के साए में है। यहां आदमखोर टाइगर ने एक किसान को अपना निवाला बना लिया है। वही इलाके के लोगों में दहशत का आलम है, दहशत अपनों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर। दहशत का आलम यह है कि गांव के लोगों ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। और आपको बता दें कि पीलीभीत में आदमखोर बाग का दहशत का माहौल है वहां पर, और लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। वो फिर लौट आया है, अब वो आदमखोर हो चुका है। पीलीभीत में टाइगर टेरर रिटर्न्स। यूपी के पीलीभीत में आदमखोर टाइगर एक बार फिर लौट आया है। अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि उसके मुंह लग गया है इंसानी खून। आदमखोर टाइगर अब अपने अगले शिकार के लिए इधर उधर घूम रहा है। खूनी टाइगर ने एक किसान को अपना निवाला बना लिया। खेत में बुआई के दौरान टाइगर ने बाबूराम नाम के किसान पर हमला किया। इसके बाद वो उसे घसीटते हुए गन्ने के खेत तक ले गया। जब तक लोग वहां पहुंचते, किसान बाघ का निवाला बन चुका था। तो पानी लग रहा हो हमारो, उसके बाद हम जो है खाना लेके आए करीब 9:30 बजे, उसके बाद इंजन बंद करके फिर हम 11 बजे घर पे गए। लेट गए, सुबह आए तो जहाजता हुआ। पापा कहाँ तुम्हारे? हैं? पिताजी कहाँ थे? वहाँ डल नीचे लेटे। फिर कहाँ चले गए? उसके बाद गन्ना हम ले गए। कौन ले गया? शेर ले गए। नहीं, आप गए, आपने क्या देखा? अंदर खेत में गए क्या? हम तो खून देखा खेत में गेहूँ वाले। अब क्या हुआ? टाइगर के खौफ का आलम यह रहा कि मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम भी गन्ने के खेत में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। काफी देर बाद हवाई फायरिंग करते हुए वन विभाग के कर्मचारी खेत में घुसे, तब जाकर टाइगर ने किसान के शव को छोड़ा। सर, हम सीओ साहब सर अंदर घुसे और फॉरेस्ट के लोग थे, कुछ लोग हमारे साथ। जब जैसे ही हमने डेड बॉडी में हाथ लगाया, शेर तुरंत दहाड़ा। दहाड़ने के साथ साथ जंगल वालों ने फिर फायर करा, कई फायर करे। फिर हम थोड़ी देर पीछे हटे, फिर दोबारा गए, फिर उसने दहाड़ा, फिर थोड़ा पीछे हटे, फिर तीसरी बार हम और सीओ साहब और जंगल वाले सभी लोग डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे। थोड़ा सा अलग हट गए, जैसे हम लोग पहुंचे वहां भाई जी वो डड़ूकने लगा बहुत। फिर चिल्लाया खड़े हुए सब लोग। खूनी टाइगर अब भी खेत में मौजूद है। वन विभाग और पुलिस ने खेत को घेर लिया है। गांव के लोग टाइगर से मोर्चा लेने के लिए लाठी और डंडे लेकर खेत के बाहर बैठ गए हैं। और टाइगर के लिए घेराबंदी, पूरा फॉरेस्ट विभाग यहाँ मौजूद है और हम लोग मौजूद हैं। बाकी सभी ग्रामीण निवासी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं इस मामले में, सब लोग हमारे साथ हैं और पूरा पुलिस और प्रशासन के साथ है। बता दें कि 3 दिन पहले ही खूनी टाइगर पड़ोस के गांव मलपुर के एक घर में घुस गया था। वन विभाग की टीम ने किसी तरह पकड़कर उसे जंगल में छोड़ा था। इलाके में एक बार फिर आदमखोर बाघ की दस्तक से लोगों में दहशत है। सवाल इंसानी जान का है, लेकिन वन विभाग को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि देश में बाघों की घटती संख्या के बीच एक और बाघ इंसानी आक्रोश का शिकार न बन जाए। मोहम्मद तारिक, इंडिया 24/7, पीलीभीत।